नमस्कार, namastan.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत प्रजापत और आज हमारे साथ मौजूद है वृषाली टिकलकर। देश में बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर ये प्रोग्राम चला रहे हैं फेमिनिज्म इन इंडिया, जो कि बढ़ती रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिस विषय में आज हमसे बात करेंगे। मैम, आप जो फेमिनिज्म इन इंडिया का जो प्रोग्राम चला रहे हैं, इससे आप लोगों को कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे अवेयरनेस लाएंगे? वैसे तो जब भी मैं कोई रेप के केसेस के बारे में सुनती हूँ तो मेरा खून इतना खौल जाता है कि अब तो समाज में कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस लानी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होनी चाहिए जिससे सारे फीमेल्स, सारी महिलाएं, सारी युवाएं कनेक्ट हो जाएं, एक साथ हो जाएं, एक इकट्ठा हो जाएं। तो हम लोगों ने, ईवा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने, एक कड़ी बनाने का सोचा है। उस कड़ी में हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ, युवाएँ हमसे जुड़े, ताकि हम स्लम्स तक पहुंच पाए। स्लम्स में आज जो स्थितियां हैं वो बहुत बुरी हैं, बहुत ही, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी बुरी हो चुकी है स्लम्स में कंडीशंस की। वहां की महिलाओं को अवेयरनेस नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट की योजनाएं पहुंचती नहीं हैं। बहुत सी बार ऐसे रेप केसेस उन लोगों के साथ हो जाते हैं पर वो पूरी तरह से बता भी नहीं पाते ये कंडीशन है। तो ईवा वेलफेयर आज ये कदम उठाना चाहता है कि वो आगे आए, जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा स्लम तक पहुँचे, ताकि अवेयरनेस बढ़ पाए और हम लोगों की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हो पाए। इसमें जो रेप की घटनाएं बढ़ रही है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। इसके लिए सरकार को नए प्रावधान लाना चाहिए और जो रेप करने वाला है उसको फांसी की सजा। उसमें सब जो हमारे जो युवक हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसको भी मुद्दा उठाना चाहिए कहीं ना कहीं, जिससे सरकार के पास बात पहुँचे। मतलब रेप को जो भी हो रहे हैं उस बात पर अगर आवाज़ उठाएगी, नई पीढ़ी आवाज़ उठाएगी, तभी कहीं ना कहीं मतलब जो रेप है वगैरह रुक सकते हैं। तो कोई सब तरह सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।